नैब ने टैक्स के मुतालिक पहले सवाल कभी नहीं किया, घर बैठे रहे नैब नहीं बुलाएगा, दो तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर नोटिस मिल जाता है। एहतसाब कानून के मुताबिक होना चाहिए, जाती ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। हम बर्दाश्त कर लेंगे मगर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहजाद अकबर का इख्तियार क्या है, ये कौन है दुनिया को नहीं पता, क्या इमरान खान ने कोई नया इदारा बना लिया। यही तमाशा दिखा है, ये क्वेश्चनर भर दो, वो क्वेश्चनर भर दो, फिर कहते नहीं हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसे कहा आपको गिरफ्तार कर लो। मैं कहा चलो आप गिरफ्तार कर लें। तो ये चीजें, ये हमने तो नैब कानून को मुसवदा बना के दे दी है और वो इसी किस्म की जो ज्यादतियां करता है नैब उसको खत्म करने के लिए, वो एहतसाब को खत्म करने के लिए नहीं है। एहतसाब आप करें लेकिन एहतसाब कानून और कायदे के मुताबिक होना चाहिए, किसी की जाती ख्वाहिशात पर या सियासत को दबाने के लिए या सियासतदानों को बदनाम करने के लिए नहीं होना। जी जी, ये भी हमेशा से ऐसे ही होता है। आप घर बैठे रहे नैब नहीं बुलाएगा, आप दो तकरीरें करें, दो टीवी प्रोग्राम करें तो नैब का नोटिस आ जाएगा। और अब सिर्फ नोटिस हमें नहीं आते, हमारे बच्चों को भी आते हैं, बहू को भी आते हैं, भाइयों को भी आते हैं। कोई बात नहीं, ये भी वक्त भी गुजर जाएगा, शायद ये ना गुजार सके, हम गुजार लेंगे। नैब शहजाद अकबर साहब का इख्तियार क्या है, वो कौन है, ये पाकिस्तान को नहीं पता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। क्या वो नैब से उनका ताल्लुक है, FIA से है या इमरान खान ने कोई नया इदारा बना लिया है? अगर नया इदारा बनाया है तो मैं भी उसको एक दरखास्त देना चाहता हूँ, उसकी भी तफ्तीश कर ले कि लाहौर में एक घर बना है वो किसने बनाया है, किसके पैसों से बना है, ये तफ्तीश भी कर ले।